कप्तान की टीम फाइनल। पीटीआई ने 23 रुकनी सूबाई कबीना का ऐलान कर दिया। 15 वज़रा को महकमे मिल गए, 8 का फैसला होना बाकी। मियां असलम इकबाल पंजाब इंडस्ट्रीज कॉमर्स और सरमायाकारी के वजीर मुकर्रर। डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई वजीर सेहत बन गई। अब्दुल अलीम खान को बल्दियात के साथ सीनियर वजीर का ओहदा मिला। महमूद रशीद हाउसिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर होंगे। मुराद रास्त को महकमा स्कूल एजुकेशन की वजारत मिल गई। राजा बशारत कानून और पार्लिमानी अमूर के वजीर होंगे। मखदूम हाशिम बख्त को वजीर खजाना पंजाब बना दिया गया। समीउल्लाह चौधरी को वजीर खुराक पंजाब का कलमदान मिल गया। फयाजुल हसन चौहान को वजीर इत्तला'आत और कल्चर लगा दिया गया। यासिर हमायूं सरफराज को हायर एजुकेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट के महकमे मिल गए। तैमूर खान अमूर नौजवानान और स्पोर्ट्स की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। राजा राशिद हाफिज को रेवेन्यू की वजारत का कलमदान सौंप दिया गया। मोहसिन लगारी वजीर आपाशी अंसर मजीद लेबर और मैन पावर के वजीर होंगे। सूबाई कबीना के 8 वज़रा को अभी जिम्मेदारियों का इंतजार। मोहम्मद सप्तेन सरदार आसिफ नकई और हाफिज अमार यासिर कबीना में शामिल। मलिक नुमान लंगड़ियाल हुसैन दरेशक मलिक मोहम्मद अनवर चौधरी जहीरुद्दीन हाशिम डॉगर महकमे फाइनल न हो सके। पीटीआई के नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तकरीबी हलबरदारी मुलतवी कर दी गई। हलबरदारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस में मुनाकिद होना थी। चौधरी सरवर पहले बतौर सेनेटर सदर के लिए आरिफ अलवी को अपना वोट देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर चौधरी सरवर सदारती इंतखाब के बाद हलफ उठाएंगे। पंजाब पुलिस के सरबराह को भी तब्दील करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने 3 मुलजिमों का पैनल पंजाब हुकूमत को भेज दिया। मोहम्मद ताहिर खान खालिक दादलक फैसल शाहकार के नाम आईजी पंजाब की लिस्ट में शामिल। हतमी मंजूरी वजीर आला पंजाब देंगे। पाक भारत आबी तनाज़ा मुज़ाकरात के लिए भारतीय वफद आज लाहौर पहुंचेगा। मुज़ाकरात में सिंतास माहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी के वसाइल पर बात होगी। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मेलाद काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ठोकर न्यास बेग पर रैली। पीटीआई एमपीए और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका की हॉलैंड के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। तहरीक लबैक के रहनुमाओं का 29 अगस्त को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। हॉलैंड के मसनूआत के बायकॉट का फैसला। CIA नवाकोट में मुकदमा कत्ल की तफ्तीश के दौरान तख कलामी का मामला। पुलिस ने 1 घंटा हिरासत में रखने के बाद आबिद बॉक्सर को रिहा कर दिया। आबिद बॉक्सर का तफ्तीशी टीम पर इत्मीनान का इजहार। बोले बाजामेर पुलिस अफसरान तैनात हैं, मेरिट पर तफ्तीश होगी। उमर विक की सब साजिशें अब नाकाम होंगी। अपनी बेगुनाही को तफ्तीश में साबित करूँगा। और रायवंड के विस्टा पार्क में बच्चों का कश्ती झूला टूट गया। झूला कई फुट हवा में उछलने के बाद गिरा, 2 बच्चे जख्मी। हादसा झूले का लॉक लूज होने के बायस पेश आया। 2 पार्क मुलाजिम गिरफ्तार, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज।